so hello all welcome back in this video we are going to discuss about set theory so before we begin this topic suggest so subscribe my channel and press the bell icon to see the upcoming notifications so set theory before we start this topic we should know what is a set so set is always a well defined collection of objects so a well defined collection of objects is always called set set means like collection of bollywood movies of 2019 so it will be fixed चाहे मैं मैं इसको चीज़ को बताऊं कि कितनी बॉलीवुड मूवीज़ 2019 में आई चाहे कोई और पर्सन बताए एक्चुअल बॉलीवुड मूवीज़ 2019 की फिक्स रहेगी अगर मैं बात करूं टॉप फाइव बॉलीवुड मूवीज़ है ना तो टॉप फाइव बॉलीवुड मूवीज़ मेरे अकॉर्डिंग कुछ और रहेगी है ना आपके अकॉर्डिंग कुछ और रहेगी किसी और एक्स पर्सन के अकॉर्डिंग कुछ और रहेगी तो अगर ये कलेक्शन वेरी करता है तो उसको हम सेट नहीं कहेंगे जो चीज़ फिक्स रहे हर किसी के अकॉर्डिंग वो उस उस चीज़ के कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं जैसे प्राइम नंबर्स लेस देन सेवन अब मेरे अकॉर्डिंग भी प्राइम नंबर्स लेस देन सेवन फिक्स रहेंगे टू थ्री फाइव और कोई टू और कोई और बताए उसके अकॉर्डिंग भी वो फिक्स ही रहेंगे टू थ्री फाइव तो ये प्राइम नंबर्स चाहे दुनिया में पूरे वर्ल्ड में किसी से भी जाके पूछ लो लेस देन सेवन कितने रहेंगे टू थ्री और फाइव ही रहेंगे केवल तो वो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे सेट है ना तो पहली चीज़ तो याद रखनी है कि सेट कभी भी वेरी नहीं करेगा कलेक्शन जो होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए वो हर किसी के लिए सेम रहना चाहिए आप चाहे दुनिया में किसी से भी पूछ लो वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए पर अगर वो चेंज हो रहा है किसी भी पर्सन के लिए तो इसका मतलब वो सेट नहीं है से, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एम सेट की तो एम सेट को हम नल सेट भी कहते हैं व्हाइट सेट भी कहते हैं तो द सेट विच डू नॉट हैव एनी एलिमेंट अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको हम बोलेंगे एम टी सेट इसको इन दोनों साइन से डिनोट करते हैं हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं इसको बोलते हैं फाइव और ये खाली ब्रैकेट्स का मतलब है नल सेट है खाली सेट है एम टी सेट जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ईवन नंबर ग्रेटर देन टू अब ग्रेटर देन टू ईवन प्राइम नंबर कुछ होता है क्या केवल ए ही प्राइम नंबर है पूरे वर्ल्ड में वो है केवल ए की ईवन प्राइम नंबर है वो है टू तो उससे बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है एम सेट है खाली सेट है नल सेट अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स अब सेट्स को हम लोग दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक होती है रोस्टर फॉर्म दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है जिसमें हम ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा से सेपरेट करके उसको लिख सके एलिमेंट्स को जैसे ऑड नंबर लेस देन सेवन तो ऑड नंबर लेस देन सेवन क्या होगा मान लो एक सेट है ए उसको हमको रिप्रेजेंट करना है ऑड नंबर लेस देन सेवन से तो कौन कौन से होंगे वन थ्री फाइव कॉमा से हम लोग सेपरेट करते हैं और कर्ली ब्रेसेस में रखते हैं ये होती है रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट अगर हम यहीं पे सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है स्टेटमेंट वाइज लिखते हैं जैसे ए कोई सेट है उसमें एक्स एलिमेंट्स है वो एक्स एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन किया सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर एंड एक्स इज लेस देन सेवन तो ये इस तरह से लिखा जाएगा स्टेटमेंट में जब भी सेट बिल्डर मतलब जो सेट को बना रहा है बिल्डर तो ये स्टेटमेंट बना रहा है सेट को तो ये स्टेटमेंट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म है और जब हम ऐसे नंबर्स की फॉर्म में लिखे तो वो रोस्टर फॉर्म है अब नेक्स्ट देखते हैं इक्वल सेट्स कौन से होते हैं अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में भी अवेलेबल है दोनों में इक्वल एलिमेंट्स अवेलेबल है तो हम उस सेट को क्या बोलेंगे उन सेट्स को बोलेंगे इक्वल सेट्स जैसे अगर कोई सेट है ए वन कॉमर टू और बी भी सेट है वन कॉमा टू तो दोनों सेट्स क्या होंगे इक्वल होंगे और बी अगर टू कॉमा वन भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता एलिमेंट्स एक बार आना चाहिए उसका अरेंजमेंट कुछ मैटर नहीं करता ऑर्डर कुछ मैटर नहीं करेगा अगर सेट ए है ए है अगर वन कॉमा टू कॉमा थ्री और सेट बी है अगर टू कॉमा वन कॉमा थ्री तो ये यह यहाँ से हम क्या कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी होगा क्यों क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स वन भी यहाँ पे है टू भी यहाँ पे है थ्री भी यहाँ पे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है तो इसका मतलब ए क्या है बी के इक्वल है नेक्स्ट हम लोग देखें सबसेट्स तो सबसेट्स क्या होते हैं अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में अवेलेबल है तो हम कह सकते हैं कि वो सेट क्या है दूसरे वाले सेट का सबसेट है जैसे सबसेट मतलब कुछ भी मान लो जैसे छोटा पार्ट मान लो जैसे मान लो कोई बी सेट है ये वन कॉमर टू कॉमा थ्री कॉमा फोर ए है वन कॉमर टू अब देखो ए के सारे एलिमेंट्स वन भी यहाँ पे है टू भी यहाँ पे है तो ए में जितने भी एलिमेंट्स है वो बी में अवेलेबल है और कितने हैं उससे हमको फर्क नहीं पड़ता तो हम क्या कह सकते हैं ए क्या है बी का सबसेट है अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सबसेट जैसे मान लो अगर मैं ए के सबसेट्स बताऊँ कि कितने सारे ए के सबसेट्स हो सकते हैं तो वो उसका फॉर्मूला टू रे सुपर एन अगर हम ए के केस में बात करें तो ए के बाद दो एलिमेंट्स है तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होगी टू तो ए के कितने सबसेट्स बन सकते हैं फोर सबसेट्स बन सकते हैं कौन कौन से ए के सबसेट एक तो खुद एम एलिमेंट होता है है ना फाइव नल सेट जो होगा ना वो हर सेट का सबसेट होगा दूसरा वन टू ये वन भी इसका सबसेट है वन जो सेट है वो इसका सबसेट है टू जो सेट है वो इसका सबसेट है और वन कॉमा टू दोनों ये दोनों भी क्या है इसका सबसेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम जैसे फोर इसके निकालें तो इसमें फोर एलिमेंट्स टू स्क्वायर फोर फोर टू टू दू दू सटीन तो सिक्सटीन एलिमेंट्स हो सकते हैं इसके सबसेट्स में से एलिमेंट्स हो सकते हैं इसके सबसेट अगर हम निकालें तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में तो यूनियन क्या होता है अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट जैसे मान लो अ सेट विच हैज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी और कॉमन एलिमेंट्स केवल एक बार लिए गए हैं एक ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट ए के हों सारे एलिमेंट बी के हों और दोनों में जो कॉमन है उनको केवल एक बार लिया गया हो उसको हम बोलेंगे ए यूनियन बी यूनियन को हम इस साइन से डिनोट करते हैं तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू जैसे मान लो ए सेट है वन कॉमा टू बी है टू कॉमा फाइव कॉमे सेवन तो ए के सारे एलिमेंट ले लिए वन कॉमा टू बी के सारे एलिमेंट ले लिए टू कॉमा फाइव कॉम सेवन अब टू दोनों में कॉमन है तो एक बार ही टू को लिखेंगे तो टू कॉमा फाइव कॉम सेवन तो ये क्या हो गया ए यूनियन बी यही इंटरसेक्शन की बात करें तो अ सेट विच हैज कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी केवल कॉमन एलिमेंट्स होंगे ए और बी के जैसे मान लो ए ये सेट है बी ये सेट है तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा दोनों में कॉमन क्या है टू तो टू हो गया ए इंटरसेक्शन बी अगर मान लो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है मान लो ऐसा है तो अब इस केस में ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा ये होगा नल सेट या तो हम इसको ऐसे डिनोट कर लें या इसको ऐसे डिनोट कर लें क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये हो गया फाय अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो एग्ज़ाम में हमारे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेट थ्योरी पर तो ये हम लोग लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ इक्वल टू ए अब ए के इक्वल कौन सा वाला सेट होगा अब जिस सेट में सारे एलिमेंट्स होंगे वो ए के इक्वल होगा तो बी में कितने है? टू है थ्री है सेवन एट तो यहाँ पे थे ही नहीं तो इसको तो ये तो रिजेक्ट हो गया नेक्स्ट वन है है थ्री है फाइव है सिक्स सिक्स तो यहाँ पे है ही नहीं तो ये रिजेक्ट हो गया फाइव है बिल्कुल है फोर है बिल्कुल है थ्री है, है टू है बिल्कुल है 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 बिल्कुल है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा सेलेक्ट हो गया क्योंकि इसमें बी वाले में सारे एलिमेंट्स हैं किसके ए के दोनों एलिमेंट्स इक्वल है दोनों सेट इक्वल है, है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबसेट ऑफ ए अब इसमें से कौन सा ए का सबसेट है तो जिस सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे जिस सेट के सारे एलिमेंट ए में होंगे वो क्या होगा ए का सबसेट होगा जैसे कि ए बी कोई सेट है टू कॉमा थ्री अब देखो टू यहाँ पे है थ्री यहाँ पे तो ये क्या हो गया इसका सबसेट हो गया और देख लेते हैं वन कॉमा सिक्स अब देखो वन तो यहाँ पे है पर सिक्स नहीं है यहाँ पे तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा वन कॉमा सिक्स कॉमा फाइव जब सिक्स है ही नहीं तो होगा ही नहीं टू कॉमा थ्री कॉमा सिक्स तो ये भी नहीं होगा क्योंकि सिक्स नहीं है सारे एलिमेंट्स होने चाहिए तो अगर टू कॉमर थ्री कॉमर फाइव होता तो हम कह सकते थे हाँ ये ये वाला भी इसका सबसेट होगा पर सिक्स है तो इसका मतलब नहीं है नेक्स्ट देखें इफ एज वन कॉमर टू बीज टू कॉमर थ्री कॉमर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनियन बी अब देखो टू कॉमर थ्री कॉमा फोर है अब ए यूनियन बी क्या होगा ए के सारे एलिमेंट्स बी के सारे एलिमेंट्स और कॉमन एलिमेंट्स केवल एक बार तो ए यूनियन बी क्या होगा वन कॉमा टू ए के सारे एलिमेंट हो गए बी के टू कॉमा थ्री कॉम फोर है तो टू तो, तो एक बार आ ही चुका थ्री कॉमा फोर अब ये देख लेते हैं ये वाला सेट कहाँ पे है तो वन कॉमर टू कॉमा थ्री कॉमा फोर ये बी सेट है तो इसका मतलब ये क्या हो गया इसका सब इसका ए यूनियन बी हो गया नेक्स्ट ए इज दिस बी इज दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंटरसेक्शन बी अब इनमें से ए इंटरसेक्शन बी बताना है इंटरसेक्शन मतलब क्या बताया था मैंने कॉमन एलिमेंट्स तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं टू तो टू वाला कौन सा है डी तो ये क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी आइडेंटिफाई नल सेट अब इनमें से नल सेट बताना है तो नल सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैंने बताया था ये वाली रिप्रेजेंटेशन होती है तो ये क्या हो गया नल सेट हो गया तो इस तरह से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी ईजी टॉपिक है बस ध्यान रखना कि सेट क्या होता है उसके टॉपिक्स सब डिविजन क्या होते हैं यूनियन ऑफ सेट इंटरसेक्शन ऑफ सेट सबसेट्स इक्वल सेट्स तो इन सब टॉपिक्स के बारे में ध्यान रखो बाकी बाकीिलीली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सो थैंक यू ऑल Hope to see you there in the next video. Bye bye. Take care.